तो जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, YouTube ने यहाँ पर अपने YouTube स्टूडियो ऐप का एक नया अपडेट लॉन्च कर दिया है जो कि आपको प्ले स्टोर में देखने के लिए मिलेगा। और हाँ दोस्तों, इस स्टूडियो में आपको कौन से नए फीचर ऐड किए गए देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते इस वीडियो को शुरू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल ओशन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो जाइए जल्दी से प्ले स्टोर पे उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको इस ऐप का आने वाला लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिल सके। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्ले स्टोर पे, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो मैं इस ऐप को अपडेट कर लेता हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 8 MB का यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू कर ली है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, डाउनलोड यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो अपडेट करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको जाना है अपने अकाउंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आ जाने के बाद दोस्तों, आपको आ जाना है सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में आने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जो कि अपीयरेंस करके ये ऑप्शन यहाँ पे नया मिल रहा है अपडेट के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डार्क थीम यहाँ पे मिल रहा था, मैंने इसको इनेबल कर लिया है। तो आपको ये ऑप्शन कैसा लगा दोस्तों, बताइए मुझे कमेंट। तो जिन लोगों को ये डार्क थीम पहले से पसंद थी दोस्तों, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका बन चुका है। इस ऐप को सिर्फ आपको अपडेट कर लेना है और आपको मिल जाएगा ये डार्क थीम का मोड, जो कि आपको सेटिंग से कर लेना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए मुझे कमेंट में, और जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।